इस दिवाली पे हम बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करेंगे, बहुत सारे पैसे बचाएंगे, और वो भी आपको लाइव में दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल वर्सटाइल अनामिका में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आई हूँ स्मार्ट बाज़ार यहाँ पे, और स्मार्ट बाज़ार में चल रही है बहुत भारी भरकम वाली सेल, दिवाली सेल चल रही है फेस्टिवल से। तो दिवाली पे क्या होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए आज हम बचत करते हैं यहाँ पे। तो शुरुआत में ही आप देख पा रहे हो कि बाय वन गेट वन है, यानी कि एक हम ले रहे हैं, एक के साथ एक चीज़ें फ्री है। अगर एक ही लेंगे तो उसका जो रेट है वो 50% कम हो जाएगा, 50%। तो आपको जैसे 10 रुपये का सामान है वो 5 रुपये में मिलेगा। देख ही पा रहे हो हर चीज़ पे ज़्यादातर 50% ऑफ है। तो ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आ गई फटाफट फैमिली के साथ। दिवाली की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे माजा पे भी लगा हुआ था जिन्हें पसंद हो, और ये नमकीन नमकीन ये सब चीज़ें। उसके बाद कोकोनट वाटर दिख रहा था, मेरा मन हो रहा था मैं पी लूँ क्योंकि मेरे को भूख लगा था इस टाइम पे, बट मैं नहीं पी, कंट्रोल कर लिया अपने आप को। 90 डेज फिटनेस गोल चल रहा है इस वजह से। फिर यहाँ पे रसगुल्ला मिठाई देख लो, एक के साथ एक फ्री है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हो तो एक लोगे और एक के साथ एक फ्री है तो 2 लोग का हो जाएगा, और वो भी बहुत कम प्राइस में। ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाएगी, अच्छी चीज़ें। तो यहाँ से शॉपिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ग्रोसरी शॉपिंग जो है ज़्यादातर मैं यहीं से करती हूँ। इस बार दिवाली का भी शॉपिंग मैं यहीं जाके, तो मैं, पतिदेव और मेरा बेटा तीनों चल दिए थे शाम के टाइम में, मतलब रात ही हो गया था, 7:30-8 बजने वाला था, क्योंकि दिवाली की सफाई कर रहे थे। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले सर्फ ले ले रहे हैं। अगर 50-60 रुपये ही हम बचा रहे हैं एक चीज़ पे, तो एक एक जोड़ों की कितना सामान हम लेते हैं, 60-60 रुपये की बचा तो बहुत अच्छा। उसके बाद ये स्कॉच जो है ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है, अंदर में सॉफ्ट वाला होता है, तो हाथ जो होता है हैंड वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ पे हार्पिक ले ले रहे हैं, क्योंकि वॉशरूम जो है क्लीन होना चाहिए हमेशा। और फिर इजी ले ले रहे हैं, एक तो विंटर का कपड़ा, वैसे भी ब्लैक कपड़ा जो होता है ईजी में ही धोना चाहिए, इसका कलर फेड नहीं होता। ईजी लेके जा रहा है, ये भी बहुत हेल्प करता है, ये भी खुश रहता है, मतलब फैमिली के साथ टाइम बिताने में। वैसे तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, पढ़ाई में, हम लोग अपने अपने काम में। तो फिर यहाँ पे अब राइस देख रहे थे, पुलाव वाला राइस जो था वो सब चीज़ें यहाँ पे था, तो ये सब चीज़ें ले लिए। अब यहाँ पे दाल की बारी है, क्योंकि दाल और चने सब जो है वो सब मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन के लिए, सब वर्कआउट फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, तो इस और दाल इस सब में तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, दाल खाना चाहिए डेली ही। तो दाल थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 ही लोग हैं इतना सारा लेना, तो देखोगे आप नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें मेरे इस ग्रोसरी शॉपिंग में बहुत कम होता है। ज़्यादातर छोले, राजमा, दाल, अच्छी चीज़ें सब जो जो घर का सामान होता है सब देख लो, खुद ही पता पड़ जाएगा कि मैं जंक फूड कितना खाती हूँ ऐसे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दाल छोले थे वो ऊपर आए, तो मुझे बड़ा वाला पैकेट जो था 2 किलो का वो लेना था, क्योंकि प्रोटीन उसमें पाया जाता है। वेज, अगर आप वेजिटेरियन हो तो छोले, राजमा, लोबिया, इस सब काफ़ी प्रोटीन मिलता है, तो लेना चाहिए। तो ये उतरवा रहे हैं और छोला देख रहे हैं, ये भी ले लिए 2 किलो, इसमें भी सेव कर रहे हैं बहुत सारे। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए देख रही थी कि सारे सामान की क्या क्या छूट रहा है और क्या नहीं छूट रहा है इस तरह से। और बेसन वेसन जो था वो एक के साथ एक फ्री था, तो बहुत अच्छा था। जैसे हम 1 किलो का 1 ले लिए, 1 किलो का 1 फ्री मिल रहा था, तो यही सब चीज़ें तो बचत होती है। वैसे कितने कितने का मिल रहा है, वैसे किलो कितने का होता है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आपके आसपास है तो आप जाके ले सकते हो। फिर यहाँ पे मसाले जो थे, मतलब मैं मसाले बहुत ज़्यादा कम यूज करती हूँ, और जितना पॉसिबल होता है जो खड़े मसाले होते हैं मतलब साबुत, उसे पिसवा के ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे जीरा ले ली। फिर ये चना जो है वो एक के साथ एक फ्री था, तो ये भी ले ली मैं, क्योंकि स्प्राउट तो खाते ही हैं तो उसके लिए। और अब यहाँ पे देख रही हूँ मसाले, मसाले मतलब आप लोग के लिए दिखा दे रही हूँ। मसाले में हल्दी से लेके धनिया, सब कुछ जो भी कुछ होता है वो मैं खुद ही, मतलब गांव से आ जाता है पिसा के, नहीं तो खुद पीस के ही मतलब खाना पसंद करती हूँ। अब आगे चल के यहाँ पे सत्तू था, सत्तू मुझे लेना था बट मैं भूल गई और बेसन ले ली। इसके बाद ये रिफाइंड ऑयल जो है, जो लोग यूज करते हैं वो ले सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करती हूँ। मैं इस जगह पे
मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ या तो ज़्यादातर देसी घी यूज और करती हूँ। बेसन तो सारे ब्रांड पे बाई वन गेट वन था, जैसे राजहानी और फॉर्च्यून और आशीर्वाद का भी आया। आशीर्वाद का मैं यूज की थी, अच्छा लगा, लेकिन मैं राजधानी ही ले रही हूँ, हर बार लेती हूँ तो यही। और बेसन भी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीला विला ये सब चीज़ें बना रहे थे तो इस वजह से। अब आगे बढ़ते हुए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट से कर। यहाँ पे सोयाबीन, इसमें भी प्रोटीन मिलता है, हेल्दी होता है, तो बाय टू गेट वन था। तो मैं हस्बैंड को बोली कि ले लेने के लिए ये जल्दी लीजिए लीजिए। दो तीन, हाँ एक है, रख दीजिए। हाँ कोई देख लीजिए जो ठीक लगे, ये ले लीजिए दोनों, वो साबुत है ना। तो ड्राई फ्रूट थोड़े से ख़त्म हो गए थे तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि मैं थोक में लेके आती। फिर यहाँ पे प्लेट थाली ये सब चीज़ें देख ही पा रहे हो, सेल लगा हुआ था और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में थे कप के साथ। कप उन्हें पसंद आ जाता है जो चाय कच्ची 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 गानी। फॉर्च्यून ही ले ली, एक लीटर ये दिया, एक लीटर एक लीटर और यही सेम। नहीं नीचे वाला ले लीजिए, दो ये ले लीजिए, ये वो नहीं, दो किलो नहीं, एक किलो का। चार हो गया काफी, एक और ले लीजिए। उधर ही है, वहीं पे ऑलिवर। तो अब आगे चलते हुए घी ले रही हूँ, घी देख रही हूँ, क्योंकि देसी घी में मैं ज़्यादातर अपना डाइट जो है, और मैं अपने बेटे का जो भी खाना बनाती हूँ समझो घर का ही, तो ज़्यादातर देसी घी यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब चल रहे हैं इधर, ये बर्तन वर्तन टाइप जहाँ भी है उधर चल रहे हैं। अल्ट्रावाइट बनाई इसी, इस पे नहीं आएगा, थोड़ा पास ले जाओगे तो इस पे भी आएगा। ये इधर जो भी तवा हुआ नॉन स्टिक वाले सेक्शन है, इधर मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे कुछ कुछ लेना भी था, और ऊपर से दिवाली पे बहुत सारे लोग शॉपिंग भी करते हैं तो क्या कैसे ऑफ़र है और कौन कौन सी चीज़ें नई नई आई है वो चीज़ अभी आपको वीडियो के थ्रू दिख जाएगा। तो ये तवा सब था नॉन स्टिक, और ये बॉटल वॉटल इधर जो भी कुछ था, तो बॉटल वॉटल मुझे लग रहा है समर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कप ग्लास, ओ माय गॉड, मुझे ये मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और इस टाइप का नहीं, सिंपल सोबर से ही रहता है वो वाला। और यहाँ पे तो बहुत ही प्यारे प्यारे रहते हैं, लेकिन इतना सारा ला के रखे तो रखे कहाँ, फिर भी मैं लेके आई बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो, मैं एक ग्लास लेके आई तो मेरे हस्बैंड एक डिज़ाइन वाला था वो लेके आए, फिर मैं सोची वही लेते हैं तो दूसरा ले ली। और मैं थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइन वाला था वो ली थी, तो हस्बैंड बोले सिंपल लो, सिंपल सोवर ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर ये ग्लास मैं दिखा रही हूँ कि ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये भी और ये भी, तो हस्बैंड बोल रहे सारा लोग ही क्या कोई एक ही, क्योंकि सिक्स का सेट ही वहाँ पे मिल रहा था ये ग्लास सब जो था। और आगे चल के फिर यहाँ पे थाली प्लेट ये सब चीज़ें जो है, ये सब आप सिंगल सिंगल भी इसमें से ले सकते हो। उधर था कि पूरा डिनर सेट था, और इधर आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हो। तो देख ही पा रहे हो किस तरह प्राइस लिखा हुआ है इस पे,
वन पीस का भी, और जैसे 4 पीस 5 पीस इस तरह से ले सकते हो। तो ये भी तो मैं ज़्यादातर 1 पीस लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग थाली में मतलब डिज़ाइन कर कर खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे रेड कलर का जो थाली था वो मुझे अच्छा लगा उसमें खाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है खाने को डेकोरेट करके खाती हूँ ना तो मुझे खाना टेस्टी लगता है ज़्यादा। अपना अपना मतलब चॉइस होता है, तो वो चीज़ ली। यहाँ पे जो भी चीज़ें थी बाय वन एंड गेट वन था यहाँ पे भी, तो आप एक के साथ एक ले सकते हो। अगर एक लोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, यहाँ का जो भी मतलब बर्तन ये सब सामान रहता है उन सब चीज़ों का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कप है, जो चाय लवर है उनके लिए काफ़ी प्यारा प्यारा सा यहाँ पे कप है, तो मैं तो चाय नहीं पीती। इसके बाद टाल है यहाँ पे लगे हुए, टाल जो है वो जैसे जैसे प्राइस लिखा हुआ है तो सबका डिस्काउंट करके इतना परसेंट ऑफ है, इतना परसेंट ऑफ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। और बहुत सारे सेल भी लगे, तो मेरे को टाल नहीं लेना था और एक दो डोरमेट लेने थे तो वो ले ली मैं, क्योंकि डोरमेट अच्छा अच्छा यहाँ पे होता है। उसके बाद बेडशीट लेना था बट मैं वहाँ तक गई और माइंड में बिल्कुल नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि जाऊँ और कुछ चीज़ें भूल के ना आऊँ, बेडशीट्स नहीं ली यहाँ से, अब फिर दोबारा मेरे को जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितने अच्छे टाल सब लगे हुए हैं, हैंड टाल सब हर तरह का, मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, काफ़ी दिन रखने के बाद भी ख़राब नहीं होता, तो मैं इसलिए यहाँ से जाके लाती हूँ। अपना अपना पसंद होता है। आगे चलते हुए देखो बेडशीट्स यहाँ पे कितने सारे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है कि मुझे लेना भी है ये चीज़ ऐसे। और घर आके फिर ध्यान आया कि वो तो लिए ही नहीं, मैं बोली कोई बात नहीं अभी टाइम है दिवाली में 2-4-5 दिन तो लेके मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे जो टाल था वो मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन इस टाइप का टाल मेरे पास है तो नहीं ली। फिर यहाँ पे 20% ऑफ में ये डोर मैट सब था, तो डोर मैट तो तरह तरह के मिलते रहते हैं और अच्छे रहते हैं यहाँ पे, और लेके बहुत लोग लेके आएंगे अभी दिवाली पे क्योंकि चेंज करते हैं बहुत सारे लोग। मेरे पास था ही तो एक दो मैं ले ली। यहाँ पे किचन टॉवल सब जो था वो सब काफ़ी अच्छा अच्छा था, तो ये भी एक दो मैं ली क्योंकि किचन में काम आता है, नहीं तो ऐसा होता है कितने लोग ये काम करते हैं, मैं अपने कपड़े में ही हाथ पोछ लेती हूँ। फिर इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए यहाँ पे दिखा मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन अच्छा था, मतलब दिवाली में जैसे फ्लावर लगाते हैं वैसा, तो मैं उसका क्लिप ले ली। फिर ये रही मेरी शॉपिंग, अभी भी हो ही रही है, ये गार्लिक जिंजर पेस्ट जो है ये झटपट में जब मैं करती हूँ तब मेरा काम आता है। इसके बाद यहाँ पे मच्छर को भगाने वाला जो भी ऑल आउट लिक्विड जिस तरह का है, और आगे चल के लाइजॉल सब है पोछा ओछा लगाने वाला, और इस सब पे ऑफ है, देख ही पा रहे हो। विम जेल पे मतलब काफ़ी अच्छा खासा ऑफ रहता है, तो मैं एक ही बार पूरा पैकेट लाती हूँ और इस तरह का, और एक छोटा वाला जो रहता है कंटेनर उसमें भर भर के यूज करती हूँ क्योंकि विम जेल ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज होता है। फिर यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट है उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब ऑफ़र था, तो मेरे घर में तो कोई बेबी है नहीं फिर भी मैं क्लिप ले ली क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया। यहाँ पे पैड वैड सब है, इस सब पे भी काफ़ी अच्छा खासा ऑफ़र था तो ये सब भी ले ली मैं। फिर आगे चल के यहाँ पे मामा अर्थ का जो भी प्रोडक्ट था उसका एक ही सेक्शन बनाया गया था इतना बड़ा, और लोटस का, तो इसमें से कुछ मेकअप मेरे को लेना ही नहीं है, ये सब प्रोडक्ट मैं नहीं लगाती तो नहीं ली। VLCC ये सारी चीज़ें, तो जो जो काम का था बॉडी लोशन ये सब चीज़ें ले ली। बॉडी लोशन के जगह पे भी मैं ऑयल जो होता है बॉडी ऑयल को लगाना पसंद करती हूँ विंटर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो ये सब चीज़ें ले ली। हेयर कलर सब था, क्लिप ले रही हूँ। यहाँ पे मॉइस्चराइजर सब है, मॉइस्चराइजर क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी बाहर जाते हैं मैं लगा लेती हूँ, घर में तो मैं नॉर्मल जो घर पे बनाती हूँ वही यूज करती हूँ। अब यहाँ पे ऑयल का सेक्शन है, तो ऑयल तो मैं लेती हूँ और कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। वैसे हर तरह का ऑयल था यहाँ पे, बजाज आलमंड ऑयल ये सब, लेकिन ये कंटेनर क्या होता है पता है, विंटर के टाइम में जम जाता है तो कैसे निकालूँगी। यहाँ पे शीट मास्क, लिप बाम और टूथपेस्ट जो भी आप यूज करते हो, चेंज कर करके यूज करना चाहिए, तो मैं भी इस बार चेंज करके ली। फिर यहाँ पे आके सार जेल है और सोप, बॉडी सोप जो होता है वो है, तो सब पे कुछ ना कुछ ऑफ मिल ही रहा है। फिर आगे हम फाइनली सारा शॉपिंग हो गया, अब यहाँ पे पतिदेव बिलिंग करवा रहे हैं और बिल बहुत ज़्यादा बैठ गया क्योंकि इतना सारा शॉपिंग हुआ तो, बट
देखिए बिल ये हुआ कि डिस्काउंट सब पे था थोड़ा थोड़ा, तो उस हिसाब से यहाँ पे बटर वटर का भी सेक्शन था, उस सब का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फटाफट से जल्दी जल्दी ले ली, लेट हो गया था काफ़ी, मतलब बहुत कम बचे हैं देख रहे हो, नहीं तो ऐसे बहुत भीड़ पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा। तो वही अब देखो यहाँ पे मेरी शक्ल की हालत क्योंकि पूरे दिन काम किए थे, उसके बाद सीधा मैं चली गई थी, मुझे भूख इतना तेज़ लगा था यहाँ पर, फिर घर आके फटाफट से मैं खाना बनाई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ इधर काम करो इस टाइम पे। फिर बिलिंग करवाने के बाद ये सब मिलके थैला में पैक कर रहे हैं सामान घर लाने के लिए। तो इस तरह का थैला जो होता है वहाँ पे मिलता भी है बट आपको ख़रीदना पड़ेगा। और मेरे को क्या मिला, 4 किलो या 5 किलो चीनी मिला वहाँ पे, तो चीनी नहीं लिए, ये थैला ले लिए क्योंकि चीनी लो या तो ये थैला ले सकते हो उस हिसाब से। तो देखो सारा पैक हो गया, अब हम लोग घर के तरफ चल रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा और दिखा दे रही हूँ, अगर आप नोएडा से हो यहाँ पे तो मॉल ऑफ इंडिया के आगे इस तरह का कुछ दिवाली स्पेशल लगा हुआ है जहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट सब है, तो जाके ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।